हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है, ऐसा ही कुछ हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी पेनल्टी किसी भी वेब एग्रीगेटर पर अगर लगी है तो वह पॉलिसी बाजार पे लगी है। जानेंगे पूरा मामला क्या है एंड तक, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पॉलिसी बाजार को दिल्ली हाई कोर्ट से 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग चुकी है। तो दोनों मामले के बारे में हम बात करेंगे, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भ्रामक विज्ञापन से आप किस तरीके से बच सकते हैं। बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो एंड तक। मेरा नाम है अमित राज शर्मा, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे 10 लाख रुपए वाले मुकदमे की, कि जिसमें पॉलिसी बाजार को 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। वो मामला क्या था? वो मामला बड़ा ही सिंपल था। वो मामला था ट्रेडमार्क उल्लंघन का, राइट, जिसमें कि पॉलिसी बाजार ने इको जनरल इंश्योरेंस पे ये आरोप लगाया था कि वो पॉलिसी बाजार का ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड यूज कर रहे हैं बिजनेस जनरेट करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, आप किसी के ट्रेडमार्क का यूज करेंगे तो बिजनेस जनरेट करने के लिए करते हैं ना, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। लेकिन इन रियलिटी में पॉलिसी बाजार ने तथ्यों को छुपाया था। पाया ये गया जब जांच हुई कि पॉलिसी बाजार ये चीज कर रही थी इको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना निर्णय दिया और पॉलिसी बाजार के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जो स्क्रीनशॉट आप इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब बात आती है अभी लेटेस्ट, जो 23 अगस्त को ये डिसीजन आया था IRDAI की तरफ से हैदराबाद में, कि जो पॉलिसी बाजार है उसके ऊपर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, पेनल्टी लगाया गया है। पूरा मामला जानते हैं, मामला क्या था। देखिए, मामला था फॉल्स कमिटमेंट का। पॉलिसी बाजार ने एक एडवर्टीजमेंट रन किया था जिसमें ये बोला था उन्होंने कि 60% तक का, मतलब 60% का फ्लैट डिस्काउंट वो देंगे अगर कोई मोटर इंश्योरेंस कराता है तो। और एक कंपनी थी जिसका फुल नेम आपकी स्क्रीन पे है, इस कंपनी से ये दोनों का अनुबंध था, संबंध था, ये पार्टनरशिप में आए थे। और ऐसा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बाजार ने अपनी वेबसाइट पे ही किया, इससे रिलेटेड उन्होंने टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट भी रन किए। इसी के साथ में उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी भी इसी कंपनी से जुड़े हुआ जो विज्ञापन दिया था उसमें उन्होंने ये बताया कि आपको मतलब अनलिमिटेड सेकेंड ओपिनियन जो होती है उसकी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, जो फार्मेसी आप परचेज करेंगे उस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आपको अनलिमिटेड टेली मेडिसिन कंसल्टेशन आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको 5 OPD की भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, चलो ठीक है ओपीडी, चलो मान लो एक बार को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चलो बेयर कर सकती है 5 times, राइट, लेकिन अनलिमिटेड टेली मेडिसिन कंसल्टेशन नहीं बेयर कर सकती, राइट, क्योंकि ये जो अनलिमिटेड कंसल्टेशन होगी, एक साल में हर बार आदमी कभी ना कभी दवाई की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में एक डॉक्टर की फीस जो होती है कम से कम एक अच्छे सर्जन की फीस जो होती है 500 रुपीज होती है। ऐसे में तो अगर अनलिमिटेड उनको मिलेगी और वो फैमिली में सबका कवर उन्होंने ले रखा है, तो ये जो अमाउंट है वो पॉलिसी का जो प्रीमियम पे किया उससे भी ऊपर निकल जाएगा, राइट। फिर उसके साथ में इन्होंने ये भी आपको फैसिलिटी दे दी कि 5 OPD, तो ये प्रैक्टिकली चीजें हो ही नहीं सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा ऑफर देती भी है तो या तो वो फेल होगा या कंपनी लॉस उठाने के लिए तैयार है, राइट, आने वाले सालों तक, तभी वो ऐसा कर रही है। तो जब ऐसे में जांच हुई तो पाया ये गया कि जो पॉलिसी बाजार है उसने IRDA का जो इंश्योरेंस से संबंधी जो एडवर्टीजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका उन्होंने वायोलेशन किया है। ऑब्वियस ही बात है कि वो गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन कर रहे थे, जो चीजें पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल तरीके से उनको वो पब्लिश कर रहे थे ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। तो इसके ऊपर जजमेंट दिया IRDA ने कि 1.1 करोड़ रुपए की उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। वो बात अलग है कि आगे अगर चाहे तो पॉलिसी बाजार कहीं और अपील कर सकता है, बट ये डिसीजन आ चुका है, ये पेनल्टी उनके ऊपर लग चुकी है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हुआ है, एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, एक लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, कि फ्रॉड होते हैं, आप कैसे बच सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, देखिए हमेशा एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, डायरेक्टली संपर्क करें, डायरेक्टली उनसे पूछें, और सारी जानकारी जो आप कॉल के थ्रू जो आप बात करते हैं, आज के टाइम में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं कि आप उनको रिकॉर्ड करके अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि फ्रॉड कहीं भी कभी भी किसी भी जगह हो सकता है। हमारी कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा बार बार देखने के लिए आया है, अगर कंपनी नहीं करती है तो उनके एजेंट्स बढ़ा चढ़ा के फ्रॉड कर देते हैं, अगर डायरेक्टली कंपनी नहीं कर रहे हैं, उनके एजेंट नहीं कर रहे हैं, तो वेब एग्रीगेटर ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं, राइट, किसी नए ब्रांड के साथ में आकर के।
तो आपको हर चीज का रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इमीडिएट एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चलो पैसा गया गया, तो भैया ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके साथ नहीं ऐसा और लोगों के साथ भी होगा। तो कभी भी आपके साथ में ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज होती हैं तो सबसे पहले एक्शन लीजिए, लेकिन उससे पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशन को प्लान से रिलेटेड लेने से पहले, चाहे विज्ञापन कुछ भी कहता हो, उस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन में जाइए, उसको रीड करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से आप धोखा खा सकते हैं, और सारा रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखें और छानबीन करते रहें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सवाल मुझे याद है, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। एक इमरजेंसी वीडियो थी, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो आपके साथ मुझे शेयर कर रही थी, तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। खुश रहे, मुस्कुराते रहे और कहते रहे जय हिंद जय भारत।